अभी अभी पार्टी में आए, मैं इधर करूं कि इधर रखूं? आप तो भाजपा परिवार में अभी अभी शामिल हुए, उसमें इंद्र कुमार जी, विनोद जी सामरिया, जसवंत जी बेनीवाल, नासिर खासी, चिमन जी और लक्ष्मी जी, ऋषभ शर्मा जी और हमारे 101 मुसलमान कार्यकर्ता उसके साथ उनके साथ आए हैं। उन सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने जबरदस्त लोग पार्टी के अंदर आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वाले समय में पूरी तरह से हमारे पार्टी को जोर शोर से और मजबूत बनाएंगे और इस पार्टी को मजबूती नहीं बनाएंगे परंतु 1 तारीख को इस कमल खिलाने के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ उनका भी रहेगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैं जब यहां सुराज संकल्प यात्रा के अंदर आई थी ना, तो आप ऐसे ही बैठे थे और आप लोग इसी तरीके से हम लोग सबको ऊर्जा और प्यार देके गए। तो मेरी चिंता लगी हुई थी कि चुनाव कुछ दिन में आने वाले हैं, काश कोई आपको अच्छा कैंडिडेट मिल जाए जो आपकी इतनी सारी मुसीबतें हैं, कोई ऐसा हो जो सक्षम तरीके से इसको सॉल्व कर सके। मेरे को मिला नहीं, मैं सोचूं इधर उधर सोचूं, फिर ये आ गए मेरे हाथ में। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति मिल गया है, ऐसे लोगों को फेस करने वाला भी सही व्यक्ति मिल गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो हम तक अपनी बात भी पहुंचा सके और हम लोग न मिले तो आपके लिए मैदान में खड़े होके वह आप आवाज भी उठा सके, एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो गया। मैं सोच रही थी कि आपके सामने आ गए, कर पाएंगे नहीं या काको तो लक्की है, ये काका लक्की है। वाह तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम कभी होंगे नहीं, मेरे को ये कहना है ब्राह्मण आदमी, फिर मैंने सोचा ब्राह्मण आदमी है या शांत किस्म का होगा, शांत स्वभाव का होगा, कहाँ दौड़ धूप करेगा, कोई ने आंख निकाल दी तो डर जाएगा, परंतु ये तो अलग ही किस्म का ब्राह्मण आदमी मिला है। अब ये तय हो गया कि मुझे जोसा के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो भी हैं, जिसकी वजह से, और मैंने कहा भी था कि ये दौसा से ऊपर आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये पूरा ऐसा छूटा हुआ इलाका है, ऐसा वीरान इलाका है जिसके बारे में किसी ने कुछ किया ही नहीं आज तक। और इसीलिए मैंने पहली दफा, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से धौलपुर की रहने वाली हूँ, तो एरिया तो सब अपना ही है और धौलपुर के लोग भी मेरे को कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं हम लोगों के लिए। मैंने कहा कि जब हमारी सरकार आती है तो तुम उधर चले जाते हो और जब हम बाहर होते हैं तुम सरकार में आ जाते हो, तो काम तो होना ही नहीं है, इसीलिए 50-55 साल से बाहर पड़े हो। अब सबको मैंने ये कह दिया कि इस बार अपने को गलती नहीं करनी, पिछले बार भी दौसा का यही हुआ था, इस बार मैंने सबको कह दिया कि एक एक व्यक्ति जाके अपना काम करेगा और इस बार कमल को यहां से लेके वहां तक खिलाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि काम सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ये पूरे इलाके का जो है, जो पिछड़ा हुआ रह गया है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम वादा करते हैं, हम शुरू करेंगे। परंतु आप वादा करिए कि आपको विश्वास के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी और साथ देने में आप पीछे नहीं रहेंगे। ये आपका वादा और हमारा वादा। अब ये एक जाओ, अभी अभी बहुत सारी बातें सब लोगों के सामने हुई है। मुझे चिंता इस बात की हो रही थी कि बिजली की समस्या, पिछले बार भी जब मैं आई थी आप लोगों ने मेरे को बताया था कि जोरदार है, आज भी मुझे लगता है जनरेटर कहीं ना कहीं चल ही रहा है, ये भी कह रहे हैं और मेरे को आवाज भी आ रही है, जनरेटर के बिना तो काम ही नहीं चलता है आजकल, न बिजली है और न पीने का पानी है। इन सब ने मेरे को यहां से लेके वहां तक हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे पानी का इंतजाम कर देना, तो फिर काहे की जीत के आओगे, इतना ही नहीं कर सकोगे तो क्या मतलब है? आखिर में जब जीत के आदमी आने वाला है तो इतना ही तो काम करेगा, अगर पानी नहीं पिला सकता, अगर बिजली नहीं लगा सकता, तो फिर काहे के मतलब कहना सिर्फ इतना ही है कि आप एक को वोट नहीं दे रहे हो, आप दो को वोट दे रहे हो। यहाँ हम लोग दोनों जन आपके साथ
खड़े होके आपके काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको पहले ही विश्वास है। सब बहुत काम करने हैं, परंतु वो राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वाला किस्सा नहीं होगा। यह आपको पहले ही कह दूं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से फिर राहुल गांधी, फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, ये सब लोगों ने आपको गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर घुमा के रख दिया है। इतना झांसा दिया और आपको इतना अच्छा लगा कि 65 साल आपकी बातों में आ गए, और बातों में आके अभी तक उनका साथ में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस दिन आप उनसे नाता तोड़ दोगे, उस दिन से हम लोग आपका हाथ थामेंगे, और उस दिन से आप लोगों के साथ आपके क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने का काम कर देंगे। जो चौमुखी विकास आज तक नहीं हुआ है, वो चौमुखी विकास अपने इस क्षेत्र के अंदर करने का काम हम सब मिलके करेंगे, ये विश्वास आपको दिलाना है।